अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और लैंप को ऑन करते हैं तो पूरा कमरा यकदम रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन जैसे ही आप लैंप को ऑफ करते हैं तो एक ही लम्हे में ये सारी रोशनी गायब हो जाती है। उस वक्त आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि एक ही लम्हे में ये रोशनी कहाँ गायब हो जाती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, जो हमें रोशनी नज़र आती है उसका सबसे अहम और बुनियादी पार्टिकल फोटोन होता है। जैसे ही हम कमरे में लैंप या किसी बल्ब को ऑन करते हैं तो ये लाखों के हिसाब से फोटॉन्स खारिज करता है। ये फोटॉन्स कमरे में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों से टकराते हैं, उनमें से कुछ तो जज्ब हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं। कमरे में रोशनी इन रिफ्लेक्ट होने वाले फोटॉन की वजह से होती है। इस प्रोसेस में ये फोटॉन्स अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा ज़ाया कर देते हैं, इसके बाद वो किसी और चीज़ से भी टकराते हैं और मज़ीद एनर्जी ज़ाया कर देते हैं। इस तरह ये फोटॉन्स उस वक्त तक बाउंस ऑफ यानी टकराते रहते हैं जब तक कोई चीज़ उन्हें मुकम्मल तौर पर जज्ब ना कर ले। जब तक लैंप या फिर बल्ब ऑन रहता है तो काफ़ी मकदार में फ्रेश फोटॉन्स खारिज होते रहते हैं जो जज्ब होने वाले फोटॉन्स की जगह लेते रहते हैं। इस तरह हमारा कमरा रोशन रहता है, लेकिन जैसे ही हम लैंप या फिर बल्ब ऑफ करते हैं तो फोटॉन्स खारिज होना बंद हो जाते हैं और कमरे में पहले से मौजूद फोटॉन्स मुख्तलिफ चीज़ों से टकराने के बाद अपनी एनर्जी ज़ाया कर देते हैं और वो जज्ब हो जाते हैं। ये प्रोसेस मिली सेकंड में होता है, इसीलिए जैसे ही हम लैंप या बल्ब ऑफ करते हैं तो पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।